हेलो प्यारे बच्चों, बीएससी थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सिक्स सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पहला पेपर है, जिसका नाम ऑर्गेनिक सिंथेसिस भी है, जिसके अंतर्गत हम यूनिट टू में बात कर रहे थे ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट्स के बारे में, उसी का ही हम तीसरा लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम इससे पहले यह बात समझ चुके हैं कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। उसके बाद हमने यह समझा था कि ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट क्या होता है, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। और मैंने बताया था कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास दो से तीन लेक्चर लगने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में भी हम बात करेंगे इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग पर, जो कि हमारे पास होने वाला है, आई थिंक यह हमारे पास तीसरा पॉइंट है, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे रिएक्शन विथ, ठीक है, रिएक्शन विथ एथिल फॉर्मेट, ठीक है, एथिल फॉर्मेट। आपसे कई बार पूछा जाता है कि ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट का अगर हम एथिल फॉर्मेट से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसके बारे में आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो केसेस होते हैं। केस नंबर वन, ठीक है, व्हेन, हमारे पास पहला केस क्या है, व्हेन ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट, ठीक है, व्हेन ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट इज इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है। हमारे पास दो केस हैं, क्या है हमारे पास दो केस। पहला केस ये है कि अगर हमारे पास ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में है, ठीक है, यानी कि कम मात्रा में है, और अगर ज़्यादा मात्रा में होगा तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या बनेगा, इस पर भी ध्यान रखना है, कम मात्रा में क्या बनेगा इस पर भी ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन देते हुए कई बार पूछ लिया जाता है, ओके। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं एथिल फॉर्मेट पर, तो एथिल फॉर्मेट का हमारे पास फार्मूला होता है एच सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी टू एच फाइव होता है। ये हमारे पास क्या होता है, एथिल फॉर्मेट, ठीक है। अब जब एथिल फॉर्मेट का हम क्या करा रहे हैं, ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि यह स्मॉल अमाउंट में है, तब क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से यही बॉन्ड ब्रेक होगा, सी एस थ्री जाकर इस कार्बन से लिंक हो जाएगा क्योंकि यह डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और एम जी बी आर जाकर ऑक्सीजन से लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एच हो गया, सी हो गया, सिंगल बॉन्ड ओ हो गया, सिंगल बॉन्ड हमारे पास सी एस थ्री हो गया, सिंगल बॉन्ड ओ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड सी टू एच फाइव हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास एम जी हो गया, एंड यहाँ से हमारे पास बी आर हो गया। एंड आप सभी लोग जानते हैं कि यह क्या है, एक हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि यह क्या है, यह एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जब यह एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है तब क्या होता है, अगले स्टेप में ध्यान दीजिएगा, अगले स्टेप में हमारे पास क्या बनता है, समझने का प्रयास करिएगा, मैं इधर कर लेता हूँ, हो सकता है अगला रिएक्शन वैसे आने के थोड़े कम चांसेस हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, अगर आ जाता है तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अगले स्टेप में यह होता है कि जब यह अनस्टेबल होता है तो इस सिचुएशन में इस बार हम इसका हाइड्रोलिसिस नहीं कराते हैं, यह खुद ही स्वयं से ही क्या होता है, यह टूट जाता है, और कुछ इस प्रकार से टूटता है कि यह जो Mg होता है वह OC2H5 से भी बॉन्ड बना ले जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर Mg ओ सी टू एच फाइव एंड बी आर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या, हमारे पास बच रहा है क्या, क्या बच रहा है यहाँ पर, हमारे पास मिल रहा है सी एस थ्री, ठीक है, ये नीचे वाला, और ये हमारे पास मिल रहा है C, एंड इससे हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ा है, तो यहाँ से मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन को चार बॉन्ड बनाना है, इस ऑक्सीजन को दो बॉन्ड बनाना है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो चुका है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो चुका है, तो ये दोनों मिलकर एक दूसरे से बॉन्ड बना ले जाएंगे, यानी कि यहाँ से ये ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक बॉन्ड यहाँ से क्रिएट कर ले जाएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ से एक बॉन्ड ये क्रिएट करेगा, यानी कि कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये कुछ ऐसे बन गया, ठीक है। अब हम लोग यह बात जानते हैं कि ये कौन सा मॉलिक्यूल बना है, ठीक है, ये बात तो हमें पता है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, एसिटल डिहाइड, ठीक है, एसिटल, ठीक है, एसिटल डिहाइड का ये क्या हुआ, हमारे पास फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि अगर हम ग्रिग्नॉल रिएजेंट का एथिल फॉर्मेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और जब हमारे पास ग्रिग्नॉल रिएजेंट स्मॉल क्वांटिटी में है तब, तो उस सिचुएशन में एसिटल डिहाइड बनता है। कई बार आपसे यह भी पूछा जाता है कि ग्रिग्नॉल रिएजेंट से हम एसिटल डिहाइड का कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये हमारे पास रिएक्शन होगा। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं क्वेश्चन बनाने के। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम ग्रिग्नॉल रिएजेंट को एक्सेस मात्रा में, एक्सेस अमाउंट में यूज करते हैं तब क्या होता है, तो बी पॉइंट, ठीक है, व्हेन ग्रिग्नॉल रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नॉल रिएजेंट, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ नहीं तो मिक्स नज़र आने लग सकता है। व्हेन ग्रिग्नॉल रिएजेंट इज इन एक्सेस अमाउंट या क्वांटिटी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर चलिए मैं अमाउंट लिख देता हूँ, ठीक है, AMOUNT, वैसे क्वांटिटी लिखेंगे तो वह ज़्यादा सुटेबल वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन कुछ ऐसे होता है कि जब हम ग्रिग्नॉल रिएजेंट को एक्सेस अमाउंट में यूज करते हैं तो सबसे पहले तो ये स्टेप होगा ही होगा, ठीक है, पहला हमारे पास एक मॉलिक्यूल आया ग्रिग्नॉल रिएजेंट का, एक मॉलिक्यूल आया एथिल फॉर्मेट का, तो ये दोनों रिएक्शन किए तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। अब हमारे पास अगर एक्सेस अमाउंट में है तो यह जो एसिटल्डिहाइड है उससे हम जानते हैं, अपने पिछले लेक्चर में यह बात किए थे कि एसिटल्डिहाइड से भी ग्रिग्नॉल रिएजेंट रिएक्शन करता है और करने के बाद हमारे पास बनाता है प्राइमरी अल्कोहल, किससे, फॉर्मल्डिहाइड से, एसिटल्डिहाइड से कौन सा बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना, ओके, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एसिटल्डिहाइड, मैं थोड़ा इधर खींच लेता हूँ ताकि एक ही स्टेप में हमारा रिएक्शन कम्प्लीट हो जाए। तो ये हमारे पास हो गया एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एंड हमारे पास एक और ग्रिग्नॉल रिएजेंट जब आता है तो CH3MgBr, ठीक है। अब जब ये एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड हमारे पास ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से हमारे पास MgBr होता है, हम इस रिएक्शन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर तेज़ी से लेकर चल रहा हूँ इस रिएक्शन को, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में इस रिएक्शन पर काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक बात भी किया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पिछला लेक्चर देखे ही होंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इस सिचुएशन में हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर क्या रिलीज होगा, तो यहाँ पर MgBrOH के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास यहाँ पर CH3 मिल रहा है, यहाँ पर C मिल रहा है, यहाँ से H मिल रहा है, यहाँ से CH3 मिल रहा है और यहाँ से OH मिलेगा, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास CH3 हो गया एंड यहाँ से हमारे पास कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है एंड यहाँ से हमारे पास OH बन गया, ठीक है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, यही हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बना हुआ है, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल, ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब आप इसका नाम जानते हैं तो आप नाम भी लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप लोगों को पता है, ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में इसका नाम तो डिस्कस किया था तो फिलहाल नाम पर हम नहीं बात कर रहे हैं, समझना इस बात को। कई बार क्या होता है, आपसे यह पूछा जाता है
कि हम ग्रिगनॉल रिएजेंट से सेकेंडरी अल्कोहल का कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज अब शुरू हो चुकी हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि हम एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन करा दें, ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हमारे पास पॉइंट आ गया कि अगर हम ग्रिगनॉल रिएजेंट का एथिल फॉर्मेट के साथ रिएक्शन कराते हैं और ग्रिगनॉल रिएजेंट को एक्सेस अमाउंट में रखते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे पास भी सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट समझना, अगर हम कहते हैं कि ग्रिगनॉल रिएजेंट का एथिल फॉर्मेट से रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, तो कभी भी आप एक ही स्टेप पर लाकर ख़त्म मत करिएगा जब तक वहाँ पर नाम मेंशन नहीं है कि ग्रिगनॉल रिएजेंट से हम एसिटाल्डिहाइड का कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं, तभी केवल आप पहले स्टेप को लिखकर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आपको सेकेंड स्टेप जरूर लिखना है, क्योंकि उस सिचुएशन में वह आपसे जानना चाहता है कि अगर हम ग्रिगनॉल रिएजेंट से एक्सेस अमाउंट में करते हैं तब क्या बनता है। ठीक है, तो ये थोड़ा आप लोग ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, समझ के होंगे। तो यहाँ पर आप लोग नाम जरूर लिख लीजिए, ये हमारे पास क्या है, एथिल फॉर्मेट। ठीक है, एथिल फॉर्मेट है ये, एंड इसका नाम तो हम जानते ही हैं, ये ग्रिगनॉल रिएजेंट है, ये एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिक्स मत कर दीजिएगा। एंड ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बना है। ठीक है, और इसका नाम तो हम लोग पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है। तो अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम बात करना शुरू करते हैं। हमारे पास अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर का यह प्रॉपर्टी है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, रिएक्शन विथ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, रिएक्शन विथ एथिल एसीटेट का इस बार उपयोग करते हैं। ठीक है, पिछली बार हमने किसका उपयोग किया था, एथिल फॉर्मेट का, इस बार हम एथिल एसीटेट का उपयोग कर लेते हैं। तब क्या होता है पूरे रिएक्शन के दौरान, समझिएगा। ठीक है, सबसे पहला काम ये करेंगे कि हमारे पास अगर ग्रिगनॉल रिएजेंट जो है, ठीक है, ग्रिगनॉल रिएजेंट, ठीक है, अगर स्मॉल अमाउंट में है तब क्या होता है, ग्रिगनॉल रिएजेंट इज इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, अगर स्मॉल क्वांटिटी में है तब क्या होता है, इस पर चलिए अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही होने वाली हैं, तो ध्यान दीजिए और सारी चीज़ों को समझ लीजिए। ठीक है, एथिल एसीटेट का फार्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे पास एथिल एसीटेट का ये फार्मूला होता है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ध्यान दीजिएगा, एथिल फॉर्मेट और एथिल एसीटेट में बस छोटा सा ही डिफरेंस है, वो क्या है, हमारे पास CH3। हमने जब देखा एथिल फॉर्मेट में, कॉपी में लिखे हैं ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर क्या है, हमारे पास CH3 की जहाँ पर H है, यहाँ पर हमने केवल CH3 उपयोग किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा पूरा रिएक्शन सेम ही प्रोसेस पर होने वाला है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ के होंगे। चलिए अब बात करते हैं तब, तो इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं किससे, ग्रिगनॉल रिएजेंट से, CH3MgBr। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास सेम स्टेप होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से लेकर चल लेता हूँ, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होता नज़र में आ रहा है। ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या बना है, एक एडिशन प्रोडक्ट बना है जो कि काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, देन हमारे पास क्या होगा, देन ये होगा कि इस पूरे प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होने की वजह से यहाँ से जो Mg होता है, ठीक है, वह MgOC2H5Br के फॉर्म में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और जब यह बाहर निकलेगा तब हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हमारे पास C हो जाता है, सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। ठीक है, एंड ये हमारे पास बाहर निकला है तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड फिर से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड O हो जाएगा।
अब इसी को ही मैं थोड़ा सा अरेंज फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब इसी को मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3 हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब यहाँ तक की अगर चीज़ें समझ में आ चुकी हैं तो इसका नाम भी आपको पता चल गया होगा, इसका नाम हमारे पास क्या होता है, एसीटोन, ठीक है, और इसका नाम क्या है हमारे पास, इसका नाम है एथिल एसीटेट, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ग्रिगनॉल रिएजेंट। अब यहां पर ध्यान दीजिए और सारी चीजों को समझिए, अगर ग्रिगनॉल रिएजेंट एथिल एसीटेट से स्मॉल क्वांटिटी में या स्मॉल अमाउंट में रिएक्शन करता है तब मिलता है एसीटोन। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर ग्रिगनॉल रिएजेंट एसीटोन से रिएक्शन करता है तो टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, यह हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो अगर ग्रिगनॉल रिएजेंट का एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रिगनॉल रिएजेंट अगर एक्सेस अमाउंट में है तो वह एसीटोन से फिर से रिएक्शन करेगा, और एसीटोन से फिर से जब रिएक्शन करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, तो चलिए फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब हमारे पास बी पॉइंट आता है, बी पॉइंट में क्या है कि ग्रिगनॉल रिएजेंट, ठीक है, ग्रिगनॉल रिएजेंट इज इन एक्सेस क्वांटिटी, ठीक है, क्या है, एक्सेस क्वांटिटी में है। तो अगर ऐसा है तब क्या होगा, तब हमारे पास बनेगा कुछ इस प्रकार से कंपाउंड, क्या बनेगा कि ये हमारे पास एसीटोन है तो ये हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, मैं थोड़ा इधर खींच लेता हूँ ताकि एक ही फेज में सारी चीज़ें आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर हमने ले लिया अपना ग्रिगनॉल रिएजेंट MgBr, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे क्या, अनस्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अनस्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड MgBr, ठीक है। एंड ये जो हमारे पास अनस्टेबल प्रोडक्ट है इसका हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस के लिए H2O/H+ का उपयोग करेंगे, देन हमारे पास क्या बाहर निकलेगा, MgOHBr क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और अगर यह बाहर निकला तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आकर लिंक हो जाएगा और ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, ठीक है। और इसी ही प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, इस प्रोडक्ट को ही हम यह कहते हैं कि ये हमारे पास है टर्शियरी अल्कोहल। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने क्या देखा, पिछले रिएक्शन को और इस रिएक्शन को कंपेयर करते हैं, क्या करेंगे अगर कंपेयर करना है तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो एथिल एसीटेट है, दूसरा एथिल फॉर्मेट है, ठीक है। तो जो पहला एथिल फॉर्मेट है उसमें हमने देखा था कि इस CH3 की जहां पर केवल हाइड्रोजन प्रेजेंट था, और उसी हाइड्रोजन की वजह से हमने देखा था कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बना था वो सेकेंडरी अल्कोहल मिला था, ठीक है। एंड जब हमारे पास एथिल एसीटेट है तो इसमें हमारे पास CH3 प्रेजेंट है, और CH3 प्रेजेंट होने की वजह से यह एक टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकता है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि ग्रिगनॉल रिएजेंट से हम टर्शियरी अल्कोहल का कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो हम एसीटोन से डायरेक्ट रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल मिल जाएगा, लेकिन कई बार आप सभी से बोला जाता है कि अगर हम एथिल एसीटेट से रिएक्शन कराते हैं तो इस सिचुएशन में टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये पूरा रिएक्शन आपको बताना पड़ेगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि एथिल एसीटेट से
एथिल एसीटेट का ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तब क्या मिलता है, तो ये भी बताना पड़ेगा। अगर आपसे बोला जा रहा है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से या एथिल एसीटेट से हम एसीटोन का कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं, तब तो केवल आपको इतना ही स्टेप बताना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि अगर एसीटोन पूछा जा रहा है तो ये वाला रिएक्शन मत लिखिएगा, इसके बाद मैं एक रिएक्शन और बताने वाला हूँ, उस रिएक्शन को एसीटोन के लिए यूज करना, ठीक है। इससे क्या होता है, क्योंकि ये जो हमारे पास एसीटोन होता है यहाँ पर यह एक इंटरमीडिएट है, ठीक है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि अगर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एक भी मॉलिक्यूल ज़्यादा हुआ किसके तुलना में, एथिल एसीटेट की तुलना में, तो वह फर्दर रिएक्शन को कंटिन्यू करने लग जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में वह रिएक्शन अनबैलेंस हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये कभी नहीं सजेस्ट करूँगा कि यह एसीटोन वाला आप लोग उपयोग करें, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज लिख लीजिए कि यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास अनस्टेबल है, ठीक है। और नाम तो लगभग सारी चीज़ों का हम लोग लिख ही चुके हैं, तो चलिए अब अगले रिएक्शन पर बात करते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि एसीटोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आई थिंक हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो फिफ्थ नंबर का है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड, ओके। अगर हम एसिटिल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ तब क्या हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, इस पर अब हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, मैं सेंटेंस को नहीं लिखवाता, ठीक है। आप लोग क्या करिए, सेंटेंस खुद से भी बना सकते हैं, आप लोग जानते ही हैं, फिफ्थ सेमेस्टर से ही हम ये बात करते आ रहे हैं इन चीजों पर। तो अगर यहां पर मैं रिएक्शन को बताता हूं तो ऐसे हम बना सकते हैं, एसिटिल क्लोराइड मतलब हमारे पास हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास Cl हो जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, उम्मीद करता हूँ जानते ही होंगे, ठीक है। नहीं जानते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है एसिटिल क्लोराइड, ठीक। तो एसिटिल क्लोराइड का हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ, तो CH3MgBr के साथ। और ये रिएक्शन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अभी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक अनस्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, वो भी कैसा रहेगा, CH3 यहाँ पर आकर लिंक हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड MgBr एंड सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास Cl हो जाता है, सिंगल बॉन्ड हमारे पास CH3 हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका हम फर्दर कंटिन्यू रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, समझना इस बात को, इस बार हम हाइड्रोलिसिस नहीं कराते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पर क्लोरीन का प्रेजेंस जो है वो हाइड्रोलिसिस कराने के लिए मजबूर नहीं करता है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो क्लोरीन होता है वह एक हैवियर हमारे पास एटम होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये अपने आप में जब अनस्टेबल होता है तो यह MgBr Cl के साथ रिएक्शन करने लग जाते हैं, तो MgCl Br के फॉर्मेट में क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। और जब ये बाहर निकलेगा तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर हमारे पास बन जाता है CH3, ये हमारे पास कार्बन एंड ये हमारे पास CH3 एंड ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये यहाँ से बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाता और ये हमारे पास ऑक्सीजन बन गया। तो इस प्रकार हमारे पास क्या बना, इस प्रकार हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट बना है जिसे हम कहते हैं एसीटोन। और इसमें खास क्या है, इस रिएक्शन में खास बात यह है कि हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एसिटिल क्लोराइड से जब रिएक्शन कराते हैं तो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, जो कि एडिशन प्रोडक्ट बनता है, जो कि इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो इसका अब हम हाइड्रोलिसिस नहीं कराते हैं, हम इतनी बार चीज़ों को पढ़ेंगे अभी आगे चलते हुए, हम जितने रिएक्शन पर बात करेंगे लगभग सभी रिएक्शन में हम हाइड्रोलिसिस कराते चलेंगे, लेकिन
कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जिनमें हम हाइड्रोलिसिस नहीं कराते हैं, जैसे कि ये एक रिएक्शन है। अब एग्जाम में जब हम रिएक्शन को लिखने बैठते हैं तो उस सिचुएशन में हमारे दिमाग में चलने लग जाता है कि यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराएं या ना कराएं, कराएं या ना कराएं, और अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। और एग्जामिनर यही चेक करने के लिए ये रिएक्शन देता है कि यहाँ पर आपने हाइड्रोलिसिस कराया है या नहीं। अगर आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया तो रिएक्शन गलत हो गया, क्योंकि इसमें हमें हाइड्रोलिसिस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सेल्फ ही हमारे पास रीअरेंज होते हुए एसीटोन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, तो आप लोग क्या करें, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं कि जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर एक हमारे पास अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है जो कि रीअरेंज होते हुए एसीटोन का फॉर्मेशन कर देता है, और इस प्रकार हमारे पास रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड का पूरा रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पर बात करते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और यह आप सभी के एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है, रिएक्शन विथ, ठीक है, रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा और इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, आप लोग चाहें तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो समझिए इस बात को कि क्या होने वाला है। होता ये है कि जब हमारे पास व्हेन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ, ठीक है, क्या करता है, रिएक्शन करता है किसके साथ, रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब यह रिएक्शन करता है तो इट गिव्स, ठीक है, इट गिव्स एन एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, क्या करता है, यह एक एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस, जिसका हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, yields हमें तब प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब समझना इस बात को, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह कई बार आप सभी के एग्जाम में देखने को मिला है, तो समझिए कैसे होता है यह रिएक्शन। होता यह है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अगर हम लेते हैं, या फिर चलो मैं कार्बन डाइऑक्साइड से करा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पहले कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हमारे पास ये कार्बन हो गया, इस कार्बन से डबल बॉन्ड बनाते हुए ऑक्सीजन जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल है तो हम ये बात जानते हैं। अब यहाँ पर जो हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का उपयोग करते हैं CH3MgBr का, ठीक है, तो यह क्या करता है, एक एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो एडिशन प्रोडक्ट में क्या होगा, सेम मैनर में हमारे पास ब्रेकिंग होगा, तो यहाँ पर यह ब्रेक होगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। तो चाहे आप इस डबल बॉन्ड को दिखाइए, चाहे आप इस डबल बॉन्ड को दिखाइए, बात एक ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड कार्बन, और इसी कार्बन से हमारे पास CH3 लिंक हो जाएगा, तो ये मैंने CH3 को दिखा दिया। ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, एंड इसी ऑक्सीजन से ये हमारे पास MgBr लिंक होगा, तो ये हमने MgBr को लिंक दिखा दिया। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए और चीज़ों को समझिए। क्या समझना है आप सभी को, कि ये तो हमारे पास एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बना, ठीक है, और इसका अब हम क्या कराते हैं, इसका ही हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ठीक है, तो चलिए हाइड्रोलिसिस भी करा लेते हैं अब इस रिएक्शन को कंटिन्यू करते हुए। तो अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब क्या होता है, ये मैंने हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस जो हम कराते हैं तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, तो यहाँ से निकलेगा MgOH एंड यहाँ से हमारे पास Br बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब हमारे पास बाहर हुआ तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या मिल रहा है, समझिए इस बात को। तो इस सिचुएशन में हमारे पास ये मिल रहा है
कि यहाँ पर हमारे पास CH3 है, ठीक है, तो मैं इस CH3 को ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कार्बन है तो ये मैंने कार्बन को लिख दिया, इस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को मैंने इस प्रकार लिख दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर हम अगर बात करते हैं तो यहाँ से हमारे पास OMGBr है तो यहाँ से OH हमारे पास रिमूव होता है तो यहाँ पर H आकर लिंक हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास OH बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बना, एक हमारे पास क्या बना है, ये हमारे पास बना है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्यों हम कह सकते हैं कि यह एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप सभी लोग जानते ही हैं, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी को ही तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, CH3COOH, तो इसी को ही तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो इसी को ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, ये हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग चाहें नाम लिख लीजिए, ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। एंड ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये हमारे पास अनस्टेबल प्रोडक्ट बना हुआ है, एंड सारी चीज़ें सही है ना, हमने कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराया तो हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट बना जो कि काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तभी हमारा रिएक्शन कंटिन्यू होता है और इस प्रकार हमारे पास MgOHBr बाहर निकल जाता है और हमारे पास बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ओके ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या हमने अपने इस रिएक्शन को भी कंटिन्यू कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसी को ही हम क्या कह सकते हैं, इसी को ही हम एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं होनी चाहिए। इसी को ही आप चाहें तो कार्बोक्सिलिक, वैसे मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड आप सभी बच्चे जानते ही हैं, स्क्रीन शॉट हो चुका होगा तो अभी मैं बताता हूँ। देखो क्या है कि कई बार आप सभी से पूछ लिया जाता है इसलिए मैं इस चीज़ को बता ही देता हूँ, ठीक है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो तो एक फैमिली है, ठीक है, और उसी फैमिली में काफ़ी सारे हमारे पास जितने भी एसिड आते हैं COOH के फॉर्म में, CH3 को हम बदलते जाएंगे, एल्किल ग्रुप हमारे पास जुड़ता जाएगा बदलता जाएगा, तो इस प्रकार हमारे पास काफ़ी सारे एसिड्स मिलते जाते जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसी को ही कई बार आप सभी से पूछा जाता है एसिटिक एसिड नाम से, ठीक है, कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो आप लोग ये लिख सकते हैं। लेकिन आपसे कई बार यह पूछा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम एसिटिक एसिड का कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको यह बात पता होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग क्या करिए, अगर आप लोग चाहें तो अगेन स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं साइड हो चुका हूँ, ठीक है, ओके स्क्रीन शॉट हो चुका है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे, हमने बात कर लिया कि हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कुछ और प्रॉपर्टीज़ पर, ठीक है। अब हमारे पास जो अगला प्रॉपर्टी आएगा उसमें हम और भी अगला लेक्चर आएगा उसमें हम और भी प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे, काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ को अभी हमें डिस्कस करना है, आई थिंक 2 लेक्चर और लगने वाले हैं। एंड जितने भी प्रॉपर्टीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये स्टार्टिंग के जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सभी के सभी आप सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड लास्ट में जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा, इसलिए मैं उसको लास्ट में रखा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और सारी चीज़ें आपको पसंद में आ रही होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। एंड अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनसे उन बच्चों की भी तैयारी हो सके जो अभी तक इधर उधर भटक ही रहे हैं। एंड अगर पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।